आज हम लोग आए हैं ग्रैंड होटल में, यहाँ पर ईद मेला लगा हुआ है। साथ है मेरे अहमद। हाय, ये ग्रैंड होटल है। आज हम लोग आए हैं, चांद रात का मेला यहाँ पर हो रहा है 8 अप्रैल 9 अप्रैल को, ठीक है। ये है ग्रैंड होटल। ग्रैंड होटल में इन्होंने पहले टाउन में, तो मैं और अहमद मेरे साथ आया है, तो हम लोग यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें हैं, बच्चों की खेलने की भी चीज़ें हैं। तो अज़ान हो रही थी तो मैंने बंद कर दिया। अभी अज़ान बंद हुई है तो अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। इनकी एंट्रेंस फ्रंट तो काफ़ी जगह से इनकी एंट्रेंस है, तो मैं इस शॉर्टकट से गई हूँ गार्डन से होकर। तो अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इनका, क्या क्या कुछ है यहाँ पर खाने के लिए भी हैं। और अभी फ़ौरन अफ्तारी के बाद मैं आई हूँ, और मैंने कहा चलो अफ्तारी के बाद इतना रश भी नहीं होगा, तो देख कर आती हूँ क्या क्या कुछ है यहाँ पर। खाने पीने की भी चीज़ें वो सेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ मिलता है खाने की भी। तो उन्होंने स्टॉल लगाएंगे, जिसको जो मन है वो खाएं। यहाँ पर सिटिंग रूम भी है, आप लोग बैठ के भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए प्लेलैंड भी बनाया हुआ, जंपिंग वाला, कार्स है, गाड़ियों वाले। और सामने ये ज्वेलरी की आपको मैं शो करवा रही हूँ, ज्वेलरी इन्होंने लगाई हुई, जिसमें इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं, नेकलेस है, बच्चों के ट्वाइस भी हैं, झुमके भी हैं, मेहंदी भी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ही है। आप लोग लास्ट में विज़िट करें, जो बहरी टाउन में रह रहे हैं उनको लास्ट में विज़िट करना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय है, क्योंकि बच्चे अपने डैडी के पास थे और मैं सिर्फ अहमद को साथ लेकर आई थी। तो ये है शॉप, यहाँ पर उन्होंने लगाए स्टॉल के, बच्चों के ग्लासेस लड़कों के है, पर्स है, ग्लासेस है, वॉच है, और यहाँ उन्होंने भी हल्की सी मीन्स जो होती है ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई है। तो अच्छी चीज़ें हैं। ये मेरा लुक है, मैंने ये ड्रेस पहन के गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बचपन ताज़ा हो गया, जब मेले में हम लोग छोटे होते जाते थे कितना मज़ा आता था, वैसे मुझे बड़ा मैंने कल इन्जॉय किया। ऐसे मुझे लुक आ रही है, जिसमें देखने में भड़ी हूँ लेकिन अंदर से बचपन फील हो रहा था कि बचपन में मेले पर आते थे, चीज़ें लेते थे, देखते थे। तो अब यहाँ पर मैं आई थी जल्दी कि रश ना हो, ऐसे तो रश भी हो रहा है। ये इनकी जंपिंग वाला बच्चों का, और अहमद कह रहा है मैंने वहाँ पर जाकर जा रहा हूँ मैं जंपिंग लेने। और ये कपड़ों के भी वैरायटी, कपड़ों के फैंसी कपड़े भी हैं, साड़ी भी है, लहंगे भी, और दुपट्टे इनके बड़े खूबसूरत है। सारी साड़ियाँ फैंसी और प्लेन भी है, और जिसकी प्राइस भी मुनासिब है, ठीक है, 6000 से स्टार्ट है। स्टिच साड़ीज़ हैं, और ये यहाँ पर नेकलेस आ गए हैं, ज्वेलरी आ गए, झुमके, झूमर, हर एक तरह की चीज़ें हैं। बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर लगी हैं। और यानी आप लोगों को पसंद आ रहा है आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा तो कोई नहीं, आए खाए पिए, मेहंदी लगाए। मेहंदी वाले भी यहाँ पर यानी लोग बैठे हुए, लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि मुझे था कि जब चांद नज़र आएगा मैं तभी मेहंदी लगवाती हूँ। तो अब आगे यहाँ पर खुशों की भी देखती हूँ, जूतों की भी कोई शॉप है कि नहीं है। अभी तो ये सारी ज्वेलरी, ये वो कार्ड्स वगैरह जो नहीं आर्टिफिशियल कार्ड्स बनते, ईद कार्ड है यहाँ पर भी है, ईदी के लिए जो ईद कार्ड नहीं मीन्स देते हैं, और ईदी के लिए एक इन्वेलप होता है वो भी यहाँ से मिलता है। यहाँ पर खुशे का स्टॉल भी लगा है, तो आप लोगों को खुशे का स्टॉल पर भी लेकर चलती हूँ, और चलते हैं हम लोग खुशे देखते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे खुशे हैं, हर कलर के, साइज़ भी मिल जाते हैं, अच्छी वैरायटी है इनके पास। साथ यहाँ पर कपड़ों का भी है, ये देख स्टिच कपड़े इतने प्यारे, ओवर ड्रेस बहुत खूबसूरत मिल रहा है, फैंसी भी है, लॉन में भी है, शिफॉन में भी है, सिल्क में भी है, काफ़ी वैरायटी है, और यानी साइज़ वाइज भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पर कपड़े, लेकिन ये था कि मैं तो शॉपिंग कर चुकी थी तो मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं था, तो वैसे मैं घूमने फिरने आई थी कि चले बंदा ना देखता है वहाँ पर क्या रूटीन है। और उसके साथ साथ यही मेहंदी का भी स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है ना, मेहंदी का भी हम लोग स्टॉल देखेंगे। और साथ मुझे अहमद कह रहा है मम्मा मुझे ये बर्फ वाला गोला खाना है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं हम तो गोला ही कहते हैं इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, लेकिन अगर गला ख़राब हो गया ना फिर मुझे ये ना कहना कि मम्मा मेरा गला ख़राब हो गया, फिर डैडी बहुत डांटते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ, ये है नाम वाला गोला, तो मैंने इसके ऊपर अपना नाम लिखवाया है। तो मुझे बड़ी फीलिंग आ रही अपने बचपन वाली, जैसे हम लोग स्कूल के टाइम पर ये खाते होते थे बर्फ़ वाले गोले, तो बड़ा मज़ा आता होता था और बड़ी ताज़ा याद हुई मुझे, वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग भी लाजमी विज़िट करें, ये कपड़े और भी ज़्यादा इस पर है, हर तरह की वैरायटी है। मेहंदी के भी स्टॉल काफ़ी लगे हुए हैं, जो वन पर साइज 300 कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी नहीं लगवाया क्योंकि मैं जब तभी लगवाती हूँ जब चांद नज़र आता है तब लगवाती हूँ। तो ये छोटा सा आज की व्लॉग था, उम्मीद होगी कि आपको पसंद आया होगा।